हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दंगल और 2.0 के चाइना के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो पहले बजट के बारे में बता दिया जाए तो 2.0 का बजट है 543 करोड़, जहां पर दंगल का बजट है 80 करोड़। तो 2.0 एक बिग बजट मूवी है जो चाइना में रिलीज हो गई है। VFX का मूवी है, तो VFX का मूवी नॉर्मली चाइना के दर्शक इतना पसंद नहीं करते VFX के मूवी, क्योंकि ऐसा मूवी वो बहुत देख चुके हैं, बॉलीवुड के मूवी, चाइनीज़ मूवी, VFX मूवी देख चुके हैं, तो उनको चाहिए स्टोरी, जिसके लिए 2.0 चाइना में ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, दंगल को कंपेयर नहीं कर पा रहा। जो भी हो, 2.0 अभी तक चाइना में बढ़िया होल्ड करके रखा है, अच्छा होल्ड करके रखा है। तो आप लोग जो भी आप लोग सपोर्ट करते हैं साउथ को, 2.0 को, रजनीकांत सर को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस मूवी के सारे जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम देने वाले हैं। तो प्लीज़ साउथ को सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का 5 डेज का चाइना के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दंगल ने 5 डे में चाइना से कलेक्शन किए थे 21 करोड़, जहाँ पर 2.0 ने चाइना से कलेक्शन किए हैं 7 करोड़। तो एक बढ़िया होल्ड करके रखा है 2.0 और दंगल ने। ये एक अच्छा बात है कि एक मूवी जो है वो चाइना से बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो 2.0 का लाइफ टाइम कलेक्शन है चाइना का, वो करीबन 1200 करोड़ हो सकती है, जहां पर दंगल का लाइफ टाइम कलेक्शन है 1300 करोड़। तो ये एक बढ़िया होल्ड करके रखा था दंगल ने, एक अच्छा कलेक्शन किया है चाइना से। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2.0 लाइफ टाइम में चाइना से कितना कलेक्शन कर सकते हैं, और जो लोग भी 2.0 को सपोर्ट करते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।